आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और अपनी मनचाही ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो। तो आइए सीखते हैं अपना दिमाग चलाना। नंबर वन, खुद पर विश्वास कीजिए। यदि आप किसी भी काम को शुरू करने से पहले खुद को विश्वास दिला देते हो कि आप इस काम को कर सकते हो, तो आपका दिमाग उस काम में आने वाली बाधाओं से निपटने के लिए सॉल्यूशन खोजने लगता है और उस काम को कैसे पूरा किया जाए इसके बारे में सोचने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो खुद को विश्वास दिलाएं कि आप एक सफल क्रिकेटर बन सकते हैं। जब आपके दिमाग को बिलीव हो जाएगा कि आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो आपका दिमाग क्रिकेट के स्किल को कैसे बेहतर बनाया जाए इसके बारे में सोचेगा और नई नई आइडिया आपके दिमाग में लाएगा, जिसे आप फील्ड पर अप्लाई करके कड़ी मेहनत करेंगे तो आप एक सफल क्रिकेटर बन पाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने दिमाग से कोई काम कराना चाहते हो तो आपको सबसे पहले बिलीव करना होगा कि आप उस काम को करने में सक्षम हो। नंबर टू, अपने दिमाग को सही जानकारी से भरें। किसी भी काम को पूरा करने के लिए जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने दिमाग को सही इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि बिना इन्फॉर्मेशन का आपका दिमाग उस काम को नहीं कर पाएगा। आपके दिमाग को किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तभी आपका दिमाग उन प्रॉब्लम्स को सुलझा पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इन्वेस्टर बनना है तो आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड बुक्स पढ़नी चाहिए। शेयर मार्केट में कौन से स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, कौन से स्टॉक की वैल्यू घट रही है, इसके बारे में आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आपका दिमाग सही स्टॉक पिक कर पाएगा। अगर आप अपने ब्रेन को शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो आपका दिमाग सही स्टॉक पिक नहीं कर पाएगा और ऐसे में बिना सही जानकारी के इन्वेस्ट करने से आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो जितना ज्यादा हो सके अपने दिमाग को स्टॉक मार्केट से संबंधित इन्फॉर्मेशन देते रहिए, ताकि आपका दिमाग शेयर मार्केट में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। अगर सिंपली कहें तो आपको अपने ब्रेन को उस तरह की इन्फॉर्मेशन देनी है जिस तरह की गोल्स को आप अचीव करना चाहते हैं। नंबर थ्री, अपने दिमाग को रोज नई जानकारी दें। जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए हर दिन भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही अपने दिमाग से काम करवाने या दिमाग चलाने के लिए आपके दिमाग को नई नई जानकारी की जरूरत होती है। जब आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, जिसे सॉल्व करने के लिए इंटेलिजेंट ब्रेन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने लक्ष्य के अनुसार आपकी ब्रेन को डेली इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, तभी वो उस लक्ष्य में आने वाली बाधाओं को सॉल्व कर पाएगा। अगर आप अपने लक्ष्य के अकॉर्डिंग अपने ब्रेन को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो उनमें आने वाली प्रॉब्लम्स को आपका ब्रेन सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी ब्रेन के पास उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इन्फॉर्मेशन ही नहीं है और ऐसे में आप उस लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ब्रेन हमारे शरीर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हम जिस तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं वह उसी तरह से रिएक्ट करता है। अगर आप अपने ब्रेन को साइंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो साइंस के बारे में सोचेगा, और यदि आप इसे स्टॉक मार्केट से संबंधित इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपका ब्रेन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेगा। इसीलिए अपने ब्रेन को डेली राइट इन्फॉर्मेशन दीजिए, ताकि ये हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। अगर आप अपने ब्रेन को राइट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो यह डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और आप कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये प्रिंसिपल मैंने एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक से आपको बताया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।